जी तो व्यूअर्स, दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर सकते हैं और किस तरह से उसमें आप लोग बायो वगैरह ऐड कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों को पता है, जस्ट आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, यहाँ पर ये फिर हमें कहेंगे कि अपना यूज़र नेम जो है वो ऐड करें। तो यूज़र नेम जो है जी, तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है हम वो ऐड करेंगे, मींस के मैं अपने चैनल का जो कि मेरा नेम है रियल एम्बर, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जस्ट रियल एम्बर अवेलेबल नहीं है, रियल एम्बर कर लेते हैं हम, सो रियल एम्बर इज़ अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। सो जस्ट मेरा ये यूज़र नेम जो है वो मैंने चूज़ कर लिया है रियल एम्बर के नेम से। तो जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया तो उसके बाद मुझे क्लिक कहाँ करना होगा, नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे कहेंगे क्रिएट अ पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी, योर पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर मोर, जस्ट 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पासवर्ड हमारा। और फॉर सिक्योरिटी के लिए हमें पासवर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पासवर्ड के ज़रिए ही हम अपने किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ट्रेजिक सिक्योरिटी फॉर अस, इट्स अ वेरी यूज़फुल सिक्योरिटी फॉर अस, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने को भी अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ अपना पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैंने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये लोग मुझे कह रहे हैं कि कंप्लीट साइन अप करें, ऐड आप अपना नंबर भी ऐड कर सकती हैं और अपनी ईमेल भी ऐड कर सकती हैं। वेलकम टू इंस्टाग्राम रियल एम्बर, वी विल ऐड द ईमेल और फोन नंबर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल एम्बर, यू कैन अपडेट दिस इन्फो एनी टाइम इन सेटिंग टू एंटर इन्फो। ये मुझे कह रहे हैं कि आप लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना फ़ोन नंबर और ईमेल अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसके बाद ये लोग हमें कहेंगे कि आप लोग अपना फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर, जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने अपनी मेल लगा दी है। तो उसके बाद वो लोग मुझे कह रहे हैं कि एक लॉगिन कोड आएगा आपके पास, लॉगिन कोड मेरी मेल पे इन्होंने भेजा है, जो मैंने अपनी मेल 78251 यहाँ पे मैंने अपना कोड जो है वो एंटर कर दिया है। उसके बाद मेरी जो मेल है, मेरा सारे प्रोफाइल जो है इंस्टाग्राम की, वो रजिस्टर हो रही है इंस्टाग्राम पर, मेरी बन चुकी है प्रोफाइल। तो 3 to 4 steps होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं और हमारी जो प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो जाती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग हमें कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स को फाइंड करें और उन्हें फॉलो करें, बट मुझे अभी यहाँ पे फ्रेंड्स को फाइंड और फॉलो नहीं करना। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर स्किप कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं स्किप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अब मुझे वो कह रहे हैं ऐड प्रोफाइल फ़ोटो सो योर फ्रेंड नोज इट्स यू। तो प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करने का मकसद यही होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें पहचान सकें कि ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं जस्ट इसे स्किप करूँगी, आप लोगों को प्रोफाइल फ़ोटो तो ऐड करना आती होगी, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ पर लोग मुझे कह रहे हैं डिस्कवर पीपल, जहाँ पर जिसको फॉलो करना है फॉलो करें, बट मुझे अभी नहीं करना। तो मैं जस्ट टिक के आइकन पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब मेरी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब मुझे इसे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने अपने आइकन पे क्लिक करना है प्रोफाइल के, यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड पे, राइट अपर साइड पे 3 लाइंस दिखेंगी छोटी सी। तो यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। जी तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट्स का एक आइकन सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है, मैंने फाइंड कर लिया है, यहाँ पे है ये अकाउंट्स पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद स्विच स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर में एक फॉन्ट नज़र आएगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, जस्ट आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। तो गेट प्रोफेशनल टूल्स, या ओबियसली वी नीड प्रोफेशनल टूल्स, सो जस्ट आप लोगों को कंटिन्यू के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, यहाँ पे भी आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। रीच मोर पीपल कंटिन्यू,
गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप वो लोग हमें कहेंगे आप लोग कोई भी कैटेगरी जो अपने प्रोफाइल पे आप लोग शो कराना चाहते हैं यहाँ से कोई सिलेक्ट करें। अगर आप ब्लॉगर हैं तो ओबियसली ब्लॉगर की करेंगे, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की करेंगे, अगर म्यूजिशियन बैंड है आपका तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर डिजिटल क्रिएटर हैं तो उसको करेंगे। अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो जस्ट मैं ब्लॉगर पर क्लिक कर देती हूँ। डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, अगर हम इसे ऑफ ही रहने देते हैं तो हमारी प्रोफाइल पर डिस्प्ले नहीं होगा, बट होगा ही हमारा अकाउंट ब्लॉगर वाली कैटेगरी में ही, ठीक है ऐड। लेकिन अगर आप लोग फिर भी अपने व्यूवर्स को शो करवाना चाहते हैं तो आप लोग डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जस्ट डन के आइकन पे क्लिक करना है तो ये जो ब्लॉगर का ऑप्शन है हमारी प्रोफाइल पे शो होने लग जाएगा। अब बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर, अगर आप क्रिएटर हैं तो क्रिएटर पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप लोग बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर आप लोग एज अ बिजनेस है तो आप बिजनेस पर क्लिक कर देंगे, अगर आप लोग क्रिएटर हैं तो क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे। क्रिएटर मीन्स के जैसे कि आजकल टिकटॉकर्स वगैरह हैं वो, और बिजनेस जैसा कि कोई क्लोथिंग ब्रांड हो गया वैसे, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए हमें बिजनेस पे क्लिक करना है और जस्ट नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ देर करना होगा वेट, तो प्रोफेशनल ईमेल साइन अप फॉर रिसोर्सेज एंड ऑफर्स टू ग्रो योर बिजनेस, तो जस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग अपना नंबर चाहे नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मेल चाहे तो मेल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेल ऐड की हुई है और अभी के लिए तो, लेकिन मैं इसे करूँगी स्किप। अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो शो करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो ना करवाएं, डोंट चूज़ माय कॉन्टैक्ट इन्फो। तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, तो अभी मुझे कह रहे हैं कि कनेक्ट टू फेसबुक, तो मुझे अभी नहीं करना तो मैं इसे भी स्किप कर दूंगी। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट्स, प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करने के लिए हमें फोर स्टेप्स को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। कंप्लीट योर प्रोफाइल, कंप्लीट योर प्रोफाइल में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बिजनेस नेम। बिजनेस नेम अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे रियल एम्बर कोई भी नेम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी, और इसके बाद मैं बायो में कुछ भी लिख देती हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद एम्बर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये लिखती हूँ विद एम्बर जी, तो डन। यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग विद एम्बर, यहाँ पे जस्ट मैंने ठीक के आइकन पर क्लिक किया। उसके बाद आप लोग ऐड लिंक, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ठीक के आइकन पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कहेंगे कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करें, आप लोग कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ये की है, जस्ट आप लोगों का भी डेमो शो करवा रही हूँ, तो जस्ट आप लोगों ने ये प्रोफाइल फ़ोटो अगर सेलेक्ट कर भी लिया है तो ये तो प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद जस्ट मैंने ठीक के आइकन पे क्लिक करना है, तो एक स्टेप जो है वो मेरा हो गया है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये कि इनवाइट के आइकन पे क्लिक कर दें या जस्ट ठीक के आइकन पे क्लिक करें तो दूसरा स्टेप भी आप लोगों का हो जाएगा। गेट इंस्पायर्ड पे क्लिक करें कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं, मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ, मैंने इसे फॉलो किया, जस्ट ठीक के आइकन पे क्लिक करें, ठीक जी। तो एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट, यहाँ पे भी आप लोग जस्ट ठीक के आइकन पे क्लिक करें तो हमारी प्रोफाइल के जो फोर स्टेप्स हैं वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। उसके बाद जस्ट आप लोगों को डन के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लॉगर की कैटेगरी शो होने लग गई है, हमारी प्रोफाइल जो है वो मुकम्मल तौर पे बन चुकी है। तो इस वीडियो में जस्ट इस क्लास में मैंने आप लोगों को यही बताना था कि आप लोग अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसे स्विच कैसे कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट में, क्रिएटर अकाउंट में और ब्लॉगर अकाउंट में, एजुकेशनल अकाउंट में, किसी भी कैटेगरी को फॉलो करते हुए, ठीक है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।